तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और आज का वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है दो मीटियोर ड्रैगन्स। तो गाइस फर्स्ट मीटियोर ड्रैगन है टकारा टोमी का और सेकेंड मीटियोर ड्रैगन है जो कि एक गोल्ड वर्जन मीटियोर ड्रैगन है हैसब्रो का। तो गाइस ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि टकारा टोमी का जो मीटियोर ड्रैगन है वो हैसब्रो के मीटियोर ड्रैगन जितना अच्छा स्पिन स्टील नहीं कर पाता, ये रबर की दिक्कत है और यहाँ पे काफी यूट्यूबर्स ने दिखाया ये चीज। तो गाइज आज हम वही टेस्ट करने वाले हैं डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट बेब्लेड्स के सामने कि ये बात सही में ट्रू है कि यूट्यूबर्स बस ऐसे ही व्यूज के लिए ये चीज दिखाते हैं और काफी एडिटिंग वेडिटिंग करते हैं। तो गाइज चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउनवर्ड्स ऑल्सो दोनों मीटियर ड्रैगन के स्पिन ट्रैक और जो ये इनका हाइट सेम है, इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मिडफेक विडफेक का कुछ संबंध नहीं है, ये प्रॉपर रबर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रबर है, ये प्लास्टिक वास्टिक कुछ नहीं है और यहाँ पे भी ये रबर ही है। तो गाइज चलिए हमारे पास हमारा लेफ्ट लॉन्चर रेडी है और अच्छा ठीक है, लेफ्ट लॉन्चर की ऐसे कुछ जरूरत नहीं, हम सबसे पहले बेब्लेड को लॉन्च करेंगे और फिर मीटियोर ड्रैगन को बारी बारी स्टेडियम में डालेंगे। तो गाइज यहाँ पे है हमारे पास एरीज, तो 3 2 1 हो जाए शुरू। और ये गया टकारा टोमी का मीटियोर ड्रैगन। तो गाइज स्पिन स्टील कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा, बट इतने अच्छे से नहीं यार, रुक गया ये। तो चलो एक और बार कोशिश करते हैं। तो गाइस ये वापस रुक गया है, हम एक बार एक चीज करके देखते हैं यहां पे जो कि है मोड चेंज। मुझे भी एग्जैक्टली कभी कभी वो कन्फ्यूजन होता है कौन सा एब्जॉर्ब मोड है और कौन सा वो दूसरा वाला मोड है। तो यार दूसरा वाला अभी मैंने 360 मतलब 180 रोटेट कर दिया है, अब टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अब थोड़ा बेटर स्पिन स्टीलिंग था, मतलब एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन दिया था मीटियोर ड्रैगन ने। अब फिर उसके बाद वापस पूरा का पूरा लुढ़क गया है, तो ये तो यार काफी डिसअपॉइंटिंग था। चलिए हैसब्रो के मीटियोर ड्रैगन के पास जाते हैं और हैसब्रो का जो मीटियोर ड्रैगन है वो अभी टेस्ट करते हैं हम वो कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस यहाँ पे बेब्लेड गया और ये हैसब्रो का मीटियोर ड्रैगन, अरे भाई इसको तो मैंने बहुत बुरी तरीके से लॉन्च किया है, इसको वापस करना पड़ेगा, बहुत बहुत गंदा लॉन्च था गाइस, कोई बात नहीं। और ये है हैसब्रो का मीटियोर ड्रैगन गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बेब्लेड ने फटाक से स्पीड पकड़ लिया है, इसको हम बोलेंगे स्पिन स्टील एक्सेलरेट भी कर रहा है गाइस बेब्लेड। तो ये है हैसब्रो की ताकत मेरे हिसाब से। हैसब्रो मेटल मास्टर्स में बहुत अच्छा था गाइस, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अब देख सकते हो बेब्लेड का एक अच्छा खासा मूवमेंट है यार, जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है बेब्लेड यहाँ पे और काफी अच्छे से स्पिन स्टील और मतलब खाली स्पिन इक्विलाइज नहीं कर रहा, वो स्पिन स्टील भी कर रहा है और इसी के साथ गाइज ड्रॉ होता है। तो गाइज नेक्स्ट बेब्लेड की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लीब्रा। तो गाइज अब सरफेस जो है वो थोड़ा सा कम है स्पिन स्टीलिंग के लिए, देखते हैं इसमें हमारे बेब्लेड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो गाइज अभी टकारा टोमी का मीटियोर ड्रैगन फिर भी काफी बेटर परफॉर्म किया गाइज, जीत गया यहाँ पे, एक और बार टेस्ट करते हैं। अरे भाई 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 मैं रायुगा तो नहीं हूं ना, क्या करे।
तो गाइस एक बात साफ पता चलती है, टकर एटॉमी के मीटियर ड्रैगो को थोड़ा कंटिन्यूस कांटेक्ट की जरूरत है। यहाँ पे आप हैसब्रो के मीटियर ड्रैगो के देखते हैं क्या होता है। वाओ तो गाइस ये तो वाओ, ये तो गाइस स्पिन पकड़ रहा है, मतलब यार गजब का स्पिन पकड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली स्पिन स्टीलिंग हो रही है यार। ये मीटियर ड्रैगो मतलब हैसब्रो वाला सही मैच है। अगर मुझे कभी भी वो लेजेंड्स वर्जन भी लेने मिलेगा ना किसी से, अगर कोई सेल वेल कर रहा है ना, तो डेफिनेटली गाइज मैं वो लूंगा। अब एक बार ना टिल्ट लॉन्च करके देखते हैं इसको और फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब यहाँ पे लिब्रा कॉन्टैक्ट नहीं देगा ना, काफी टाइम के बाद कॉन्टैक्ट देगा, तब क्या हो जाएगा इस देखते हैं। और अभी ये छोटा सा कॉन्टैक्ट हुआ है, वापस छोटा सा कॉन्टैक्ट। अरे वाह, इसमें भी गाइस स्पिन पकड़ रहा है वो, देखो गाइस पकड़ लिया है अब स्पिन। हैसब्रो ने सही में अच्छा काम किया, ये मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ। भले ही अगर ये टकर एटॉमी वाला मिड फेक भी होगा ना, तो फिर टकर एटॉमी फिर भी ना इतना अच्छा नहीं करता है। मतलब वही मिड फेक एज इन जो सेकेंड मोड, अब जो सब कुछ लोग गिने चुने जबरदस्त महान लोग बोलते हैं। अब गाइज टेस्ट करते हैं, चलो गाइज अर्थ ईगल के साथ टेस्ट करते हैं। गाइज अर्थ ईगल एक अल्टीमेट बेवलेट है जिसमें काफी अच्छा सरफेस एरिया है स्पिन स्टीलिंग के लिए। तो गाइस स्पिन इक्वलाइजेशन हो रहा है, स्पिन स्टीलिंग नहीं हो रहा। एक और बार कोशिश करते हैं। ओ भाई, मीटियर अल्ट्रागो को चपटा दिया है। अब गाइस बारी आती है हैसब्रो के मीटियर अल्ट्रागो की। गाइस आप देख सकते हो उसका जो मूवमेंट है ना, वही एक अलग लेवल पे है। मतलब बेब्लेड मूव कर रहा है यार, वही बात हो जाती है। देखो अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एक एग्रेसिव सा मूवमेंट आ जाता है हैसब्रो के मीटियर ड्रैगो में। काफी गजब की बात है, मजा आ गया। अगर ये टकर एटॉमी वाला मतलब जो लेटेस्ट मोल्ड वाले है वैसा वाला भी अगर है ना, तो भी फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बट लाइक एक्चुअल टकर एटॉमी भी नहीं, यहाँ पे अर्थ ईगल ऑब्वियसली जीत जाता है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू डी टिप है। तो गाइज नेक्स्ट इसके आगे का हम जो चीज करने वाले हैं वो है गाइज ट्विस्टेड टेम्पो, सॉरी ये प्रोटन एमेसिस वाला स्टेडियम। और यहाँ पे हमारा प्रोटन एमेसिस है कहाँ, तो गाइज प्रोटन एमेसिस के स्टेडियम के साथ हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कितना ये लगता है। तो गाइज मैं एक सेकेंड में आया, तो गाइज मैं वापस आ गया हूँ। यार थोड़ा सा धूल है इस पर, कोई बात नहीं, इसको राइट में घुमा देते हैं। और हमारा हैसब्रो वाला मीटियर अल्ट्रागो, अभी हैसब्रो का मीटियर अल्ट्रागो जैसे है ना उस हिसाब से तो ये गाइस इन्फिनिट पे जाना चाहिए। पूरा टाइम ये घूमना चाहिए एक्चुअली। और गाइस काफी टाइम तक घुमा फिर भी। यहाँ पे एक बार लेफ्ट करके देखते हैं, यहाँ पे अगर लेफ्ट करेंगे तो आपको बस दिखा देता हूँ कि लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस देखो लेफ्ट में पूरा का पूरा वेवलेट फटाक से रुक जाता है। राइट में अगर हम वापस कोशिश करें, काफी बेटर परफॉर्मेंस है। ओवरऑल वो जो स्लोप है ना, स्लोप उसकी वजह से वो कहीं पे लुढ़क जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार 33,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जल्दी 35K सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड बाय बाय।